दूसरा हमने तुम्हारी हिदायत के लिए नूर को भेजा। कल की मजलिस में अर्ज़ हुआ कि किताब वो थ्योरी है कि जिसके ज़रिए से इंसान सीखेगा इस बदन को मुझे चलाना कैसे है। दुनिया की हर मशीनरी के लिए कोई गाइड बुक होती है, तो ये जो मशीनरी खुदा ने आपको दी है उस गाइड बुक का नाम किताब है, और हर किताब को समझने के लिए, उसको परखने के लिए कोई समझाने वाले का होना ज़रूरी है। तो उसको खुदा ने नूर का नाम दिया, यानी ये वो रोशनी है जो किताब पे पड़ेगी और ये किताब तुझे समझ में आएगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आप एक बंद कमरे में हैं और अगर वहाँ पे लाइट्स को ऑफ किया जाए तो दुनिया की बेहतरीन किताब को आप पढ़ नहीं सकते। हालांकि पढ़ने की तवानाई इन आँखों में मौजूद है, लेकिन ये आँखें फिर भी मोहताज हैं रोशनी। इसी तरह हर इंसान के पास अक्ल की तवानाई मौजूद है, सोचने की ताकत मौजूद है, लेकिन फिर भी ये अक्ल मोहताज है किसी अक्ल कुल की। ऐसी अक्ल कुल जो दुनिया में पढ़ने की मोहताज ना हो, इसीलिए हम कहते हैं वो नबी हो या इमाम हो वो दुनिया में नहीं पढ़ता बल्कि अर्श इलाही से पढ़ता। हमेशा अइमा के लिए और अम्बिया के लिए ये देते हैं कि आप भी अपने इमामों को लाइए, हम भी अपने इमामों को लाते हैं, लेकिन ये खुल्लम खुल्ला नवाजदा इमामी शियों का चैलेंज है कि हम आपके इमामों के उस्ताद दिखाते हैं, आप हमें हमारे इमामों के उस्ताद। ये बता सकते हैं कि आपके इमाम कहाँ पढ़े, किस मदरसे में पढ़े, लेकिन दुनिया का एक मदरसा बताइए जहाँ पे अली पढ़े हो, जहाँ पे हसन पढ़े हो। हमारा इमाम अगर 20 साल में इमाम है तो फिर भी इमाम है, अगर वो 7 साल का है फिर भी इमाम। क्या बात है, क्या बात है। उससे जो पूछा जाए वो जवाब दे देता है। मैंने किसी मजलिस में पाकिस्तान में मौला अली की इल्म की दलील दी थी, तकरीबन 7 लोग सिर्फ इस दलील की वजह से कहने लगे नौजवान के मौलाना हम इस मकतब में आना चाहते हैं। मैंने कहा हर इंसान को पहचानने के लिए उसके असर का होना जरूरी है। खुदा कहता अगर मुझे पहचानना है तो मेरा असर ये कायनात है, अगर मेरे हुस्न को देखना है तो कायनात के हुस्न को देखना, अगर मेरी ताकत को देखना है तो कायनात की ताकत को देखना, अगर मेरे कहर को देखना है तो ये जो जिलजिले आते हैं जो अल्लाह के अज़ाब नासिल होते हैं इनको देख तुझे मेरी ताकत का अंदाजा हो जाए। अगर मैंने किसी इंसान को देखा नहीं है, मेरे दरमियान नहीं है, मिसाल के तौर पे कल भी मैंने कहा था अगर कोई शख्स अंग्रेज है वो आपके इमाम को पहचानना चाहता है, कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारा इमाम कैसा था, तो मैंने कहा कि किसी भी शख्स को पहचानने के लिए या उसका देखना जरूरी है या उसकी तकरीर सुनना जरूरी है या उसके साथ एक हफ्ता में वक्त गुजारूं ताकि मुझे पता चले वो कैसा है, या मैं उसकी कोई लिखी हुई किताब पढूं, या मैं उसकी कोई बनाई हुई इमारत देखूं ताकि मुझे पता चले ये कितना बड़ा इंजीनियर था। तो मैंने कहा कि अगर हम मौला अली को और मौला की मारिफत आपको देना चाहें तो हम आपके पास नहजुल बलागा लाएंगे। नहजुल बलागा से पता चलेगा कि मौला अली के पास इल्म कितना था। तो आप भी अपने इमामों की कोई किताब लाइए। पढ़ने से तो कुछ नहीं होता, आप कहते रहे फला बड़ा आलिम था, फला बड़ा आलिम था, भाई आलिम था तो उसके इल्म की कोई मेरे पास दलील ना। इकबाल अगर बड़ा शायर है तो इकबाल की शेर मौजूद है, अगर हजरत अली बहुत बड़े आलिम हैं तो मौला का सलोनी का दावा मौजूद है। नाम एक है लकब, नाम माँ बाप रखते हैं, लकब लोग देते हैं। चौथे इमाम का नाम अली है, लोगों ने लकब दिया ज़ैनुल आबिदीन, यानी इतनी इबादत की कि मुआशरे में इबादत का मुजस्मा बन गए। अली को लोगों ने लकब दिया मुश्किल कुशा, अली को लोगों ने लकब दिया कि हम जो पूछने जाते हैं अली के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये लकब लोग देते हैं, तो हम अपने इमामों के इल्म की मिसाल लाते हैं।
आप अपने मामों के इल्म की मिसाल लाइए, उनकी कोई लिखी हुई किताब लाइए, अगर आप थे, अगर जाहिद थे, तो उनकी तरफ से कोई सहीफा सजा दिया जैसी कोई किताब, अगर आलिम थे तो कोई नहजुल बलागा दिखा दीजिए, तो दुनिया तलाश करके थक जाएगी, लेकिन अहले बैत के इल्म के मुकाबले में कोई किताब लाके नहीं दिखा सकती। ये दलील है जाने के बाद। मैंने कहा कुछ चीजें हैं जिंदा दलील है, कुछ चीजें होती हैं गुज़श्ता पास्ट में गुजरी हुई दलीलें। मौला अली की कुछ खुतबे हैं, सारे खुतबे नजीब अलागा में मौजूद, लेकिन कुछ खुतबे ऐसे हैं तो वल्लाह मौजज़ा है मौला के खुतबे। मौला का एक खुतबा ऐसा है जिस पूरे खुतबे में एक नुक्ता नहीं, एक खुतबा ऐसा है मौला के पूरे खुतबे में वाव नहीं, एक खुतबा ऐसा है पूरे खुतबे में अलिफ नहीं। किसी ने मौला से सवाल किया कि मौला अरब में किसी ने ऐसा कलाम किया है, और तीनों खुतबों को हमने एक किताब में जमा किया और लोगों में तफसीर की, अगर तबलीग अहले बैत करनी है तो आप इस तरह करिए, एक मरतबा मैं 10 मजलिसें करवाता हूँ, एक मरतबा एक किताब छपवाता हूँ और अहले सुन्नत के भाइयों को जाकर देता हूँ, ये तो ये है हमारे पहले इमाम का इल्म। क्या बात है, क्या बात है। आज पाकिस्तान की मीडिया का ये हाल है कि जब फ़ज़ाइल अदीब नबी तालिब पढ़ने पर आते हैं तो कहते हैं हाँ सबसे बड़े शुजा थे, सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े जाहिद थे, अली से बड़ा कोई जाहिद नहीं, अली से बड़ा कोई आलिम, और जब पूछो सबसे बड़े अफजल कौन है तो कहते हैं चौथे नंबर। तो इंसान के पास अगर अक्ल और लॉजिक हो, भाई आप फजीलत में सबसे आगे लेके जा रहे हैं और जब नंबर पे आ रहे हैं तो आप अली को चौथे नंबर पर लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब इंसान अक्ल पे नहीं चल रहा, नकल पे चल रहा है। अब क्या होगा, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बता दिया, अगर बुजुर्गों की नहीं सुनेंगे तो सारी जो बुनियाद है वो खराब हो जाएगी। तो मौला से कहा मौला अरब में किसी ने ऐसा खुतबा दिया जिसमें नुक्ता ना हो। मौला अमीर मिंबर पे तशरीफ फरमा के फरमाए आज तक किसी ने दिया नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो पहले तोलो फिर बोलो। अली को तोलने की भी जरूरत नहीं थी, बगैर सोचे मौला ने पूरे 150 सफ़े का खुतबा है, इस पूरे खुतबे में नुक्ता नहीं है। एक ईरानी लिटरेचर में खातून थी, कहती मैं भी उसमें लिटरेचर में PhD पास और मेरे शोहर भी PhD पास, कहते हमने जब ये सुना कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने, क्योंकि पाकिस्तान में किसी ने मुझे तफसीर तर्जुमे कुरान या तफसीर कुरान थी लाके दिखाई शेर व शायरी में, तो कहा मौलाना ये कोई अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, इन्होंने भी तफसीर लिखी है, छोटी सी किताब थी और उसमें नुक्ता नहीं है। मैंने कहा इन्होंने सोच के लिखा है, सोच के ये कबूल कहती है मैंने लिटरेचर में PhD की है। जब मैंने सुना कि अली इब्न अबी तालिब ने मिंबर पर बैठे बैठे अगर मौला ये कहते अरब में किसी ने कलाम नहीं किया, अली कल तुझे सुनाएगा, फिर बात बनती थी मैं भी घर जाऊं सोच सोच के लफ्जों को जोड़ूं हरफों को जोड़ूं जिसमें नुक्ता, लेकिन अली ने वहीं पे कलाम किया। ये अली का कलाम करना बता रहा है, अली किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जब खलीफे सानी ने मौला पर इतराज किया था ना कि अली जब कोई सवाल होते तो आप जरा सोचा करें, हमदर्दी के तौर पर क्योंकि इंसान से गलती भी हो जाती है, तो इमाम ने भी हमदर्दी वाला एक सवाल किया, इमाम ने कहा बता तुम्हारी उंगलियां कितनी, आपने सबने सुना हुआ है, उसने फिल फौर कहा कि अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है 10 है, तो इमाम ने कहा इतनी जल्दी मत किया कर, पहले सोचा कर। क्या बात है, क्या बात है, मुझे बताया कर। तो उसने कहा यार सोचने की कैसी जरूरत, ये उंगलियां मेरे सामने हाजिर है। मेरे हुजूर में, कहते हैं कायनात अल्लाह के हुजूर में है, जो चीज हुजूर में होती है उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जो चीज हुजूर में ना हो पीछे हो मसलन अलमारी में हो किसी जगह पे पड़ी उसको जाके देखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सामने को या अली ये 10 उंगलियां मेरे सामने हैं तो जो चीज सामने उसमें सोचने की जरूरत नहीं, का जिस तरह 10 उंगलियां हमारे सामने इसी तरह कायनात का इल्म अली के सामने है। मैंने और मेरे शोहर ने
पूरी रात, दोनों लिटरेचर में भी एंटी की हुई है, कब पूरी रात हमने कहा कि आधा सफा ऐसा लेकिन जिसमें नुक्ता ना हो, नुक्ता ना हो, कब पूरी रात सोच सोच के थक गए, दोनों आधा सफा लिख नहीं पाए। उस दिन यकीन हुआ कि अली किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, अगर पढ़े होते तो अली इब्न अबी तालिब को सोचने की जरूरत पड़ती। इंसान का मेयार, इंसान है क्या, आप वही हो जो आपके जहन में इंफॉर्मेशन है, शिया हो तो अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे, सुन्नी हो तो अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे। चैलेंज है कल कोई सुन्नी अपना बच्चा शिया को दे दे, शिया हो जाएगा, और कल कोई शिया अपना बच्चा सुन्नी को दे दे, सुन्नी हो जाएगा, क्रिश्चियन को दे दो बच्चा क्रिश्चियन बन जाएगा, क्योंकि आप वही हो जो आपके जहन इंफॉर्मेशन डाली गई है। लेकिन सवाल इंफॉर्मेशन का नहीं है, सवाल है कि राइट इंफॉर्मेशन जा रही है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन जा रही है। तो मौला ने खुतबा देकर बताया कि रॉन्ग और राइट का तस्वुर वहां पर आता है जो दुनिया में पढ़ा जाए, लेकिन जो इल्म परवरदिगार आलम देता है उसमें रॉन्ग की गुंजाइश नहीं होती, वो राइट ही राइट होता है। जिसको हम कहते हैं इल्म वही परवरदिगार आलम। कई ऐसे उलूम जो कुरान ने बताया, मसलन बच्चा पेट में कैसे बड़ा होता है, ये साइंसदानों ने खुद एडमिट किया कि बुक ऑफ मोहम्मद में ये मेंशन किया गया था कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है। हालांकि उस जमाने में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी, तो जो बच्चे को बना रहा है अगर उसे पता नहीं होगा तो तुझे पता होगा। जो खुदा बच्चे को बड़ा कर रहा है, तो वो परवरदिगार आलम जिसे कायनात का इल्म है उसके पास राइट नॉलेज है। हम कहते हैं रसूल से मिलन क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके पास भी वही इल्म है जो परवरदिगार आलम ने दिया है। अब रसूल के बाद भी अगर मुझे इल्म लेना है तो मैं रसूल के दर पे आऊंगा। रसूल ने खुद ही फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अली वाहुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली इसका दरवाजा है। बाद लोगों ने रिवायत को बढ़ाया, ये खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कहा कि वो सारी झूठी रिवायतें हैं, क्योंकि उस रिवायत में मसला है कि बस फला साहब उसकी असास है, फला साहब छत हैं, फला साहब कुंडी हैं। उन्होंने कहा भाई नबी शहर का इल्म है और वो साहब ही असास बन जाए, तो इल्म नबी की तो कोई असास हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा असल हदीस यही है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो मैंने किसी मजलिस में कहा था जितनी दीवारें बनानी है बना दें, दीवार बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीफ तो वही होता है जो दरवाजे से। प्रोफेसर के पास चला जाए उसमें गलती की गुंजाइश, इसलिए कहते हैं मासूम जिससे खता सरजद ना हो। अंबिया क्यों मासूम है? अगर नबी गलती करे और मुझे कल आकर कहे कि शराब ना पियो तो क्या कहूँ, आप खुद जो पीते हो मुझे क्यों बता रहे हो। इसीलिए अंबिया को मासूम करार दिया ताकि जो कहें लोग उनसे आए तलाश ना कर सकें। क्यों इन्होंने जब कहा कि नबी के बाद खिलाफत का सिलसिला चलेगा, बड़ी मुश्किल से अगर उन्होंने चलाया भी तो चार खलीफा तक, कोई अगर सिलसिले खिलाफत सही सिलसिला था तो पांचवें तक ले जाते, छठे तक ले जाते, यजीद पे आके रुक जाते हैं, अमीर शाम पे आके रुक जाते हैं। अमीर शाम को सहाबी तो मानते हैं लेकिन खलीफा तस्लीम नहीं करते। लेकिन जो आपने इमामों को बनाया, जो अल्लाह की तरफ से बनाए हुए थे जिनको माना, आपका सिलसिला रुका नहीं अभी तक इमाम साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सिलसिले में गलती की गुंजाइश नहीं है, उनके पास वो इल्म है जो प्योर इल्म है, जो प्योर नॉलेज है। और प्योर नॉलेज जब आपके वजूद में आएगी तो आप भी क्या बन जाएंगे, प्योर बन जाएंगे। फरमाया कि जब इस इल्म से मुतमस्सिक हो जाओगे तो तुम्हारा वजूद वजूद परवरदिगार आलम को पहचानने की सलाहियत रखेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाह। ये जो नूर है ये नूर मुत्तसिल बैन अल-अर्ज़ वस-समा, इस नूर ने जमीन और आसमान को आपस में इत्तसाल किया हुआ। सूफिया इसको कहते हैं कुतबे आजम, यानी अल्लाह की जमीन कभी भी वली खुदा से खाली नहीं रह सकती। अगर ये वजूद जमीन से चला जाए तो जमीन तबाह हो बर्बाद हो जाए। आइए इसकी भी दलील देता हूं
तमाम तरह से सुन्नत मानते हैं कि रसूल खुदा मिराज पर है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जब मिराज पर गए तो वो हदीस मेराज इतनी बड़ी है कि नबी ने जन्नत की सैर की, नबी ने जहन्नम में जिन लोगों पर अज़ाब हो रहे थे उसकी सैर की, और जब वापस आए लोगों को सारी बातें बताई। तो उसमें से एक फजीलत आपको जिक्र कर दूं, फरमाते जब मैं मेराज पर गया तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को देखा। जहन्नमियों पर जो अज़ाब हो रहे थे, जब नबी बताते थे तो लोग बेहोश होकर गिर जाते थे, जब जन्नत के इबादतों की अल्लाह के जो जज़ाएर वो बताते थे तो लोग खुशी से मालामाल हो जाते थे। फरमाते मैंने हर मलक को देखा लेकिन एक मलक ऐसा था जिसकी हजारों गुलियां थी। अब उस जमाने में आदमी को समझाने के लिए शायद मेरी खुदा की मिसाल दे रहे हैं, हजारों गुलियां थी। फरमाते मैंने उस मलाइक से कहा कि तुम्हें परवरदिगार आलम ने कौन सा पावर दिया? कहते या रसूल अल्लाह, कायनात में जितने रेत के जर्रे हैं मेरे पास उनमें की गिनने की ताकत है। दरख्त के जितने पत्ते हैं मैं उनके अदद को जानता हूँ। समंदरों में जितनी अल्लाह की मखलूक है मैं उसके अदद को जानता हूँ। जमीन पर जितने अल्लाह की जानदार मखलूक है मैं उसके अदद को जानता हूँ। नबी ने फरमा ये बता, कोई ऐसी चीज है जिसे तू गिन न सके, जिसके अदद की सलाहियत तू गिनने की न रखे? हाँ या रसूल अल्लाह, हर चीज को गिन सकता हूँ लेकिन एक चीज है जिसकी सलाहियत मेरे वजूद में नहीं है। कहा वो कौन सी चीज है? फरमा जब भी कोई आप पर और आपकी आल पर सलवात भेजता है इसके सवाब को आज तक मैं गिन नहीं सका। रसूल खुदा जब मेराज पर गए थे तो फरमाए वुजू के लिए उठे थे लेकिन जब अल्लाह ने दावत दी जब मेराज पर गए तो जो कूंडी हिल रही थी उसने हिलना छोड़ दिया था। बिस्तर की गर्मी वहीं पे थक गई थी। जो वुजू का पानी बह रहा था उसने बहना छोड़ दिया था। जो परिंदे परवाज कर रहे थे उनकी परवाजें रुक गई थी, हवाएं रुक गई थी। जब रसूल खुदा मेराज से वापस आए, कितने दिन मेराज पर, इस पे बहस नहीं है, लेकिन फरमाया जब मेराज से वापस आए उस कुंडी ने फिर हिलना शुरू कर दिया, बारिश ने फिर बरसना शुरू कर दिया, हवाओं ने फिर चलना शुरू कर दिया, बिस्तर की गर्मी फिर गर्म होना शुरू हो गई। तो सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, जब आप चले गए थे गोया पूरी कायनात मुर्दा हो गई थी, कायनात की हरकत थम गई थी, लेकिन जैसे आप वापस आए फिर कायनात में हरकत आना शुरू हो गई। तो रसूल ने फरमाया हमारी मिसाल रूह की तरह है, जिस तरह रूह तेरे बदन में जब तक है तो बदन में हरकत मौजूद होती है, लेकिन जब रूह बदन से निकल जाती है तो बदन मुर्दा हो जाता है। अब ये देखना छोड़ देता है, अब ये बोलना छोड़ देता है, अब ये सुनना छोड़ देता है, लेकिन जैसे रूह वापस आती है तू देखना शुरू कर देता है, तू सुनना शुरू कर देता है। तो फरमाया जब मैं कायनात में नहीं था तो गोया कायनात मुर्दा हो गई थी, जब मैं कायनात में वापस आया तो कायनात में रूह आ गई। तो ऐ मुसलमान मुझे ये बता, मुस्तफा तो आज कायनात से जा चुके हैं लेकिन तेरी सांसें भी चल रही है, तुझे रिज़्क़ भी मिल रहा है, तुझे औलाद भी मिल रही है, ये हवाएं भी चल रही है, ये समंदर भी चल रहे हैं। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि आज भी कोई रूह है कायनात मौजूद है जिसके सदके में तुझे खुदा मिला। आज भी वो कुतुब आजम मौजूद है जिसके सतवी फरमाया कि दिन रात मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलवात भेजा करो, क्योंकि उनके सदके में तुझे खैरात मिल रही है, उनके सदके में तुझे रिस्क मिल रहा है। तो इंसान जब तक खुद को उस वजूद के साथ मुतमस्सिक नहीं रखेगा तब तक इंसान का अमल कबूल नहीं होगा। देखिए चार तरह के लोग हैं, एक वो है जिसका अकीदा सही है अमल भी सही है, एक वो है जिसका अकीदा गलत है अमल भी गलत है, एक वो है जिसका अकीदा तो सही है पर अमल गलत है, एक वो है जिसका अकीदा गलत है पर अमल सही है। जन्नत में वो जाएगा जिसका अकीदा भी सही हो जिसका अमल भी सही हो। तो अकीदा तब सही होगा जब मैं अपने जहन में इंफॉर्मेशन राइट लाऊं, और इंफॉर्मेशन मुझे उससे लेनी है जो राइट पर्सन हो, तभी हमारा पेश इमाम के लिए भी जो शर्त है वो शर्त अदालत है, शर्त मौलवी नहीं है। हमारा उल्टा है, पेश इमाम मौलवी रखते हैं, मिंबर पे बंदा आ जाता है। हमारे पाकिस्तान के जो कल्चर में बिल्कुल उलट है, मेंबर के लिए कोई शर्त नहीं है लेकिन पेश इमाम के लिए मौलाना का होना जरूरी है। एक मौलाना नहीं है तो आप ही नमाज जमात पढ़ा सकते हैं।
लेकिन मिंबर के लिए शर्त है, मौला अली फरमाते मिंबर पे उसको बिठाओ जो बंदा आदिल हो, क्योंकि पेश इमाम नमाज पढ़ाता है, मिंबर वाला इल्म देता है, वो तुम्हारे वजूद में क्या डाल रहा है, इंफॉर्मेशन डाल रहा है। अगर वो तुम्हें रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा तो अकीदा अगर इंफॉर्मेशन की बेस पे गलत बन गया तो तुम्हारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। भाई किसी डॉक्टर ने कह दिया मसलन पेनाडोल खा लो तो सर का दर्द खत्म हो जाएगा, अब आपने डॉक्टर की इंफॉर्मेशन पे क्या किया, बिलीव किया। अब इसी पेनाडोल के जो साइड इफेक्ट है, मसलन कोई बंदा मर जाए तो गलती किसकी है, डॉक्टर की है ना, लेकिन डॉक्टर को चुना किसने था, आपने था ना। इंसान जितना अपने जिस्म के लिए केयरफुल है उतना अपने रूह के लिए नहीं है। किसी बंदे से पूछो कि भाई बेटी बीमार हो गई, 10% फोन करते हैं मौलाना किस डॉक्टर को दिखाऊं, 10 लोगों से मशवरा लेता है कहां पे जाऊं, क्योंकि बेटी की जिंदगी अजीज है, किडनी खराब हो गई, 10 डॉक्टर ढूंढता हूं जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है उसके पास जाता हूं, लेकिन क्या रूह की कोई अहमियत नहीं है। जब मुझे रूह के लिए इल्म चाहिए होता है, जो मिल गया, नीम मुल्ला भी था, मैंने उससे भी इल्म लिया, मैंने तहकीक नहीं की उसका बैकग्राउंड क्या था, मैंने नहीं देखा उसके पास नॉलेज क्या थी। मासूम फरमाते नहीं, जिस्म की इतनी अहमियत नहीं है जितनी रूह की अहमियत है, क्योंकि जिस्म की जिंदगी 70 साल है, 80 साल है, लेकिन रूह हमेशा के लिए। मौला अली का जुमला याद रखिए, वहां फरमाते एक वो वक्त है जो गुजर गया, करोड़ों रुपये देकर डॉलर देकर तुम उस वक्त को पलटा नहीं सकते, एक वो वक्त है जिसमें अभी तुम वक्त गुजार रहे हो, ये तुम्हारे इख्तियार में, लेकिन एक वो वक्त है जो कल आएगा वो भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। आज इस मजलिस में किसको पता मैं कल जिंदा रहूंगा, किसको पता कल मैं सुबह सांसें ले भी पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आज मैं सांसें ले रहा हूं। तो फरमाते जो गुजर गया उसे तुम खरीद नहीं सकते, उसे तुम पलटा नहीं सकते, वो पास बन गया। जो फ्यूचर है वो भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं, कल हो कि नहीं हो, लेकिन आज तेरे इख्तियार में, तो ये कल कभी भी मत कहा करो कि मैं कल करूंगा। फरमाते आज वक्त आए, आज ही अपना हिसाब किताब कर दे, आज ही अपने आप को सुधार दे। तो इंसान को जिस्म की परवाह है लेकिन रूह की परवाह नहीं है। आप मुझे कहे मौलाना मेरी आंखें खराब हैं, मुझे इलाज करना है, तो किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाऊं जो अंधा हो, तो आप कहेंगे मौलाना जो अपनी आंखें ठीक नहीं कर सका मेरी क्या करेगा। आपकी कमर में दर्द है मौलाना, कोई हकीम कोई डॉक्टर जानते हैं, हाँ भी जानता हूँ, मैं आपको ले गया। जैसे वहां भी आपने देखा वकीम साहब अपनी कमर पर खुदाज रख के बैठे, तो आप कहेंगे मौलाना जिसकी अपनी कमर ठीक नहीं है, बालों को बाल लगवाने का बड़ा शौक है, मौलाना गंजे हो गए बाल लगवाने हैं, तो चलो बहुत अच्छा डॉक्टर है आपको ले जाता हूँ। आप जैसे पहुंचे डॉक्टर खुद बन जाते हैं, आप मौलाना जो अपने बाल नहीं लगा मेरे कैसे बाल लगाएगा। तो इसे कहते हैं लॉजिक, ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है, अंदर से फी जमीर जो अल्लाह ने अकल दी है। और कयामत के दिन लोग कहेंगे खुदा हमारे पास कोई नबी पहुंचा नहीं था, अल्लाह की आवाज आएगी एक नबी मैंने तुम सबको दिया था उसका नाम अक्ल है। तो नबी ये नफ्स है कि हर इंसान के अंदर है, इंसान को सोचने की ताकत है। जो अपना इलाज कर नहीं सका वो मेरा इलाज क्या करेगा, जो अपने जिस्म को ठीक कर नहीं सका वो मेरा जिस्म ठीक क्या करेगा। तो ये अक्ल बताती है कि डॉक्टर ऐसा ढूंढो जिसने कम से कम किसका इलाज किया हो, अपना इलाज किया हो। अब मुझे करना है अपने रूह का इलाज, अब मुझे करने अपने सोल का इलाज। अच्छा तो रूह के लिए मैं कैसे डॉक्टर को ढूंढूं जिसने खुद पहले अपना इलाज किया। अच्छा रूह का इलाज क्या है, ऐसा डॉक्टर जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो, ऐसा रूह का मालिक जिसने जिंदगी में कभी शिर्क न किया हो, ऐसा रूह का मालिक जिसने कभी बुत परस्ती न की हो, ऐसा रूह का मालिक जिसने कभी अल्लाह की मुखालिफत न की हो। तो ऐ इंसान जब जिस्म के लिए ऐसे डॉक्टर तलाश करता है, आ मकतब हलवायत में, हम तुझे रूह के ऐसे डॉक्टर सुनाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जिन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की। तभी हर सहाबी का नाम आता है तो रजी अल्लाह अन्हु आता है, लेकिन जब अली का नाम आता है तो करमल्ला वजहु आता है। पूछो जाकर उस मुफ्ती से अली को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते, क्योंकि असहाब कहते अली के चेहरे को देखना इबादत था, अली करमल्ला वजहु कहा क्यों, कहा हर सहाबी का माथा बुतों के सामने झुका था, लेकिन ये वाहिद सर है जो कभी बुत के सामने झुका नहीं। जब बदन के लिए
अच्छा डॉक्टर तलाश करना चाहता है, अच्छा टीचर तलाश करना चाहता है, तो मैंने अपने रूह के लिए किसको तलाश किया? तभी इमाम फरमाते हैं, इंसान अगर वजूद में रूहानियत चाहते हो, अगर अपने अकीदों को सही करना चाहते हो, तो किसी ऐसे से नॉलेज लो जो तुम्हारे रूह को परवान चढ़ाना चाहे। तभी मैं कहता हूँ हमेशा कम अज कम दिन में एक सफा, वन सिंगल पेज आप पढ़िए अहलबैत की तालीमात से, उसकी तफासीर को पढ़िए, इंसान की रूह क्या हो जाती है? बुलंद हो जाती है। कभी कभी गलत अकीदे इंसान को तबाह हो बर्बाद कर देते हैं। यही सूरह हम नमाज में हम पढ़ते रहते हैं, कभी आपने सोचा हर सूरह को छोड़ सकते हैं, लेकिन सूरह हम को छोड़ना इजाजत नहीं है। एक दुआ है जिसको नमाज में करना वाजिब है, वो कौन सी दुआ है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा। इसका मतलब इंसान की जिंदगी के वजूद में रास्ते में भटकने की गुंजाइश है। तभी खुदा कहते हैं हर रोज दुआ किया कर, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चला, क्योंकि इंसान की जिंदगी कभी ज़िगज़ैग की तरह चल जाती है, एक दिन अच्छा होता है एक दिन बुरा होता है। लेकिन फरमाया कामयाब वो इंसान है जिस इंसान के वजूद पे तक्वा हो। ये तक्वा किस चीज का नाम है? जिस इंसान के वजूद में कंट्रोल हो। ये कंट्रोल किस चीज का नाम है? कंट्रोल नाम है इंसान के विल पावर का। जिसका इरादा जितना मजबूत होता है, उस इंसान की तक्वा उतनी मजबूत होती है। रोजे का फलसफा भी यही है कि इंसान खुदा ने तेरे ऊपर रोजा वाजिब किया ताकि तू अपने इरादे को मजबूत कर सके। जो रोज खाना खाता था, जो रोज चाय पीता था, जो रोज पानी पीता था, लेकिन आज सुफरे पर खड़े हो, ये पानी हलाल है, ये चाय हलाल है, ये खाना हलाल है, लेकिन रब ने तुझे मना किया है। क्यों मना किया है? ताकि तुम्हारा विल पावर मजबूत हो जाए। खाना सामने हो लेकिन अल्लाह की मर्जी के सामने इंसान के कदम रुक जाए। पानी सामने हो लेकिन उसकी मर्जी के सामने कदम रुक जाए। तो रोजा सबसे बड़ी मेडिटेशन है, क्योंकि अगर विल पावर मजबूत नहीं है तेरे वजूद में तक्वा नहीं आएगी। अगर विल पावर मजबूत नहीं है तुम अपनी बुरी आदतों को निकाल नहीं सकते। इमाम फरमाते हैं दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो आदतों के गुलाम है, एक वो है जो आदतों को अपना गुलाम बना देते हैं। देखिए एक बंदा सिगरेट का गुलाम होता है, एक बंदा सिगरेट को अपना गुलाम बना देता है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि कोई सिगरेट बहुत बुरी चीज है और आप ज्यादा पियोगे तो बीमार हो जाओगे। आपने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आज के बाद नहीं पीऊंगा। कल किसी दोस्त की शादी में गए, उसी डॉक्टर को देखा सिगरेट पी रहा है। आपने कहा ठीक डॉक्टर है, इल्म तो है लेकिन अकल नहीं है। इल्म है पर अकल नहीं है। मासूम फरमाते अकलमंद वो है जो अपने इल्म पर अमल करता है। दुआ क्या करते हैं? खुदा मुझे ऐसे इल्म से बचा जो मुझे फायदा ना दे। आप काम करिए, जिंदगी में कितनी मजलिसें सुनी हैं और इन मजलिसों से आज तक क्या लिया है? एक बंदा डेली बेसिस पे नमाज पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, भावे कितनी जिंदगी हुई कमाना, 50 years, 30 years, 45 years, अच्छा डेली नमाज पढ़ रहे हो, कल की नमाज में और आज की नमाज में कोई फर्क था? कभी मौलाना सेम नमाज, फर्क का मतलब नहीं कि आप उसमें ज्यादा और कम करें, उस नमाज की फीलिंग में तुमने कोई महसूस किया? तुमने तुम्हारा पैसा भी तो बढ़ रहा है ना, पिछले साल $1,00,000 था, आज तुमने कुछ बढ़ाया होगा या घटा होगा या बढ़ा होगा, तो नमाज भी बिल्कुल ऐसे है ना। कल की नमाज अगर आज की नमाज से बेहतर नहीं है, क्या अल्लाह फरमाते कि इंसान मुकम्मल खसारे में। क्या फरमाते हैं? जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है वो मलऊन है। मैं अपने अकाउंट में तो इजाफा करता जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने सोल के पावर को कितना बढ़ाया, मैंने अपनी रूहानियत को कितना बढ़ाया। अगर मुझे महीने में एक अच्छा ख्वाब नहीं आता, अगर मुझे कहीं से इशारा नहीं मिलता, उलमाए अखलाक फरमाते वो इंसान रात को सुकून से सो कैसे सकता है? रसूल खुदा मस्जिद में गए, फरमाते हैं यकीन सबसे बड़ी मंजिल है। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं मकाम यकीन तक पहुंच गया। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा या रसूलल्लाह जब मैं अल्लाह के अजाब की आयतों को पढ़ता हूँ रात को, खौफ खुदा से पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। फरमाते हाँ तो मकाम यकीन तक पहुँच गया। कभी आपने खुद से सवाल किया? बच्चे को कयामत का भी बता दो, आप खुद भी कब्र का पढ़ते हो, कब्र में सवाल होगा, कयामत में ये होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर गुनाह क्यों करता हूँ? एक कोई इस मजलिस में ऐसा बंदा जो कहे कि मौलाना मुझे मौत नहीं आएगी? हमने एक चीज को माना हुआ है, मतलब ईमान है, पर उस चीज पे अभी तक बिलीव पैदा नहीं हुआ। जब तक यकीन हमारे वजूद में नहीं आएगा तब तक हम सलमान फारसी नहीं बन सकते, तब तक हम ऐसा में तमार नहीं बन सकते, जब तक यकीन की मंजिल पर नहीं आए। एक मंजिल मैंने एक जुमला कहा, लोग नाराज हो गए। मैंने कहा इंशाल्लाह 100 साल के बाद आप में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। कहा मौलाना बंद दुआ दे रहे हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छी कोई दुआ होगी? अगर लॉजिकली सोचो, अभी कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 60 का, 100 साल एड करो कितने हो गए? 160। हालांकि 160 तक कोई जिंदा रहता भी नहीं,
लेकिन बूढ़ी माएं क्या दुआ करती है, बेटा 1000 साल जीवी, उस दुआ पे हम खुश होते हैं। हालांकि सबसे अनलॉजिकल दुआ है, कभी कबूल न होने वाली दुआ है, लेकिन हम खुश होते हैं क्योंकि हम अकलानी लोग हैं नहीं, हम वहम की बातों पे खुश होते हैं। ऐसा लॉलीपॉप दिया जाए जो हकीकत में है, लेकिन बच्चों की तरह हम उस पर क्या होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारे जो सोचने का तरीका है, वो उस तरीका इलाही तरीका नहीं है, वो अलबैत वाला तरीका नहीं है। फिर कोई 100 साल के बाद, अच्छा यकीन की मिसाल इस तरह, कयामत को हम सब मानते हैं लेकिन कयामत पर यकीन नहीं है, कब्र को हम सब मानते हैं। वल्ला अगर मौत का यकीन आ जाए तो बंदे को रात को नींद नहीं आना, इंसान को पता चलता है मुझे मरना है, और किस जुमले को अगर यकीन कर ले रात को नींद नहीं आए इंसान को, अपनी कज़ा नमाज़ों की फिक्र करे, अपने खुम्स में देने की फिक्र करे, अपने ज़कात में देने की फिक्र करे, हुकूकुल वालिदैन की फिक्र करे, बीवी और बच्चों के हुकूक की फिक्र, उसे नींद नहीं। लेकिन हम सुकून से इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि हम कयामत को मानते तो हैं लेकिन कयामत पर यकीन नहीं है, हम अहलुबैत को मानते तो हैं लेकिन उनकी बातों पर यकीन नहीं है। यकीन की मिसाल में किस, इस यकीन को कैसे बढ़ाया जाए, इस बिलीव को कैसे अपने वजूद में मजबूत किया जाए, इसकी मिसाल इस तरह दूंगा। आप सबको पता है कि जो इंसान मर जाता है वो नुकसान देने होता है, मुर्दा उसकी बॉडी को काट दो पोस्टमार्टम कर लो नुकसान नहीं देता, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आपको कहा जाए इस मुर्दे के साथ एक रात सो जाओ, कोई सोएगा भाई? क्यों कब सोचे क्यों? क्योंकि माना तो है मर गया है और यकीन नहीं है कि मौलाना भी उठेगा। तो अजीज तरीन अपना भाई हो तो भाई, भाई मर गया रात को इसके साथ सो जा, आप कभी नहीं सोओगे। ये फर्क यकीन और ईमान है, ईमान तो है कि ये मर गया है लेकिन यकीन नहीं है कि मर गया है, अब भी शक है कि मुर्दा मुझे नुकसान दे सकता है। कब्रिस्तान से तभी डरते हैं, कब्रों से, मुर्दों से हम तभी डरते हैं क्योंकि हम यकीन की मंजिल पर नहीं है। लेकिन एक बंदा वो है जिसे यकीन है, जिसका नाम है गसाल, जो मुर्दों को धोता है, वो तुम्हें गसाल कहते हैं, फारसी में मुर्दशूर कहते हैं। गसाल को तो सो जाओ, वो तो मुर्दे के कंधे पे टेक लगा के पूरा सो जाए, क्योंकि उसने इतना धोया है उसे यकीन है कि मुर्दा कभी उठता ही नहीं। क्या बात है, इसका मतलब जितनी रिपीटेशन होगी उतना यकीन होगा। इसलिए नाम फरमाते हैं कम अज कम जो भी बंदा मरे उसे कांधा जाए, हफ्ते में एक मरतबा कब्रिस्तान जाया करो, अपना हो या गैरों का कब्रिस्तान जाया करो, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि मौत आनी है। अगर मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा, अगर मैं ये दुआएं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे वजूद में यकीन कैसे बढ़ेगा। ईरान का एक बहुत अपना ट्रक ड्राइवर था, कहता है कि मौलाना सर्दी बहुत होती वहां, बर्फबारी होती है, कि जो सर्दी के मौसम में सुबह की नमाज का वक्त करीब था तो हम रोकते हैं ट्रक को ताकि नमाज पढ़ लें, थोड़ा खाना थोड़ा आराम कर लें, फिर अपने सफ़र को जारी रखें। का एक मस्जिद थी, मैं वहाँ रुका और जब मस्जिद में गए, इंतहा सर्दी गांव की छोटी सी मस्जिद, रास्ते में मैंने रोकी और मस्जिद के अंदर गया तो मैंने देखा एक शख्स कंबल में लिपटा हुआ सो रहा है, और मैंने कहा उसको उठाना नहीं चाहा, मैंने कहा कि मैं इसी के साथ, सर्दी बहुत थी, कंबल और भी नहीं था तो मैं उसी के साथ सोया, उसका कंबल मैंने अपने ऊपर ओढ़ लिया, पूरी रात सोया। सुबह थोड़ी जैसे होने लगी, वक्त नमाज करीब हुआ तो मैं उठा, मैंने कहा वजू करूँ, नमाज पढ़ूँ। अब जैसे मस्जिद से बाहर जाने लगा तो मैंने देखा सारे गांव वाले हाथ में लालटीन है, मस्जिद के करीब आ रहे हैं। जैसे मैंने मस्जिद के दरवाजे से अपना सर निकाला, वो सारे मुझे देख के डर के भाग गए, हमें परेशान। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, मैंने कहा भाई हुआ क्या है, मुझे देखा तसल्ली उनको, मैंने कहा आप सारे मुझे देख के डर के क्यों भाग गए? कबला इशू यह है कि कल रात मस्जिद का मौजिन मर गया, हमने मस्जिद के अंदर लिटा दिया का, कौन मौजिन तो यही जो कंबल के अंदर लिटा कहता है मौलाना रात पूरी सुकून से सोया रहा उसके, लेकिन जब उन्होंने बताया तो मुझे घर में फिर एक हफ्ता दो हफ्ता नींद नहीं आई। इसे कहते हैं वहम का गलबा और यकीन का गलबा। अब मौला के जुमले सुलेमान क्या फरमाते हैं, अगर लव कुश पर लगता, अमीर का जुमला, लव कुश पर लगता, अगर कायनात के पर्दे हटा दिए जाए फिर भी अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। इल्म वजूद अली में इतना आ चुका है, उनको वहां से क्या हो, जहाज पे जाते हैं, जंग होद से वापस आते हैं, पूरा बदन मौला का पारा पारा खून बह रहा है, लेकिन चेहरा अफसोस है, फरमाते या रसूल अल्लाह
जनाब हमजा शहीद हो गए लेकिन अली को शहादत नसीब नहीं हुई। कुछ ऐसे थे जो बचते थे जहाज से, भाग जाते थे जहाज से, लेकिन अली और औलाद अली कभी जहाज से भागे नहीं, क्योंकि किस पर फाइज है? मकाम यकीन पर फाइज है। आज आपको कहा जाए जिहाद पे जाना है, वल्ला हम डरते हैं क्योंकि हमारे वजूद में यकीन नहीं है। हमने सारा फायदा दुनिया में देखा है लेकिन आखिरत में नहीं देखा। लेकिन इमाम फरमाते हैं अली वाले की निशानी है, इमाम से मिलने आया का मौला मुझे एक निशानी बताइए कि अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले की निशानी क्या है। इमाम फरमाते हैं जो हमारी विलायत को मानता है वो हमारा शिया है। फरमाते हैं वो मौत से मोहब्बत करता है। तो कहने लगा या अली जब मैं मौत का नाम सुनता हूँ तो मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। मौला इसका मतलब मैं आपके मोहब्बत पड़ जाएगी। बस मौला का फरमान सुना, इस्तिगफार देना शुरू किया, खैरात देना शुरू की, अल्लाह की राह में सब कुछ करना शुरू कर दिया। काफी अरसे के बाद जब मौला से मिला और पहला सवाल ये किया कि या अली मुझे ये बताइए मुझे मौत कब आएगी। इसने वो जिंदगी गुजारना शुरू कर दी जो अली इब्न अबी तालिब ने की थी। और ये मौला के जुमले याद रखना, कुरान दावा करता है और चैलेंज करता है, इन कुंतुम औलिया अल्लाह मिन दुनिन नास फतमन्नवल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ऐ इंसान अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह के वली हो तो चैलेंज खुदा का ये है, पहले मौत की तमन्ना कर अगर तू सच्चा है। अगर तू मौत यानी लिकाउल्लाह की तमन्ना करेगा इसका मतलब यह है कि तेरे वजूद में ईमान की ताकत बढ़ चुकी है। और ये जुमला अली इब्न अबी तालिब के अलावा किसी ने नहीं कहा कि वल्लाह इब्न अबी तालिब अना सबिल मौत मिन अत्तफल बसती उम्मी, कि खुदा की कसम अली को मौत से इतनी मोहब्बत है जितनी छोटे बच्चे को अपनी मां के दूध से मोहब्बत होती है। वल्लाह अगर ये मोहब्बत आपके वजूद में आ जाए, और मौला की ये जुमले याद रखिए, मौला को हर लकब मिला, नबी के भाई होने का लकब मिला, हसनैन के बाबा बने, जहरा के शोहर बने, दरबत वली मिन यौम अल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन का लकब मिला, यौम कदीर में मन कुंत मौलाहु फहाजा अली मौला का लकब मिला। लेकिन अली ने कभी ऐसा जुमला नहीं कहा। लेकिन जब 19 की रात इब्ने मुल्जिम की ज़रबत मेरे मौला के सर पे लगी तो फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अगर अली कामयाब हुए तो शबे ज़रबत में कामयाब हुए, क्योंकि मौत मोमिन के लिए फना का नाम नहीं है बल्कि मुलाकात रब का नाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले तब वजूद में आती है जब इंसान के वजूद में सही इंफॉर्मेशन यानी सही अकीदा हो। और जब इंफॉर्मेशन सही हो जाती है तो इंसान का अमल भी सही हो जाता है। आज वक्त कम है, इंशाल्लाह कल इस पर हम डिटेल में जाएंगे कि इंसान कभी कभी वाजिब खुदा को अदा क्यों नहीं करता। मसलन खम्स अल्लाह की तरफ से वाजिब है, इंसान नहीं देता। मासूम फरमाते हैं इसलिए ये अमल नहीं करता क्योंकि ये खुद को अपने माल का मालिक समझता है, औलाद का मालिक समझता है, इन्हीं बच्चों का मालिक समझता है, जिस घर में रहता है उसका मालिक समझता है। जब ये इसको अपनी मिल्कियत समझता है तो देता नहीं। लेकिन अगर इसकी तौहीद मजबूत हो, बेहतरीन इलाज उलमा अखलाक फरमाते हैं अपनी बुरी आदतों को वजूद दें, जिसको बेहतरीन मेडिसन बोले, जिसको आने से आपका वजूद प्योर हो जाए, फरमाते हैं वो इलाज भी तौहीद है। जितनी तौहीद बनने की मजबूत होगी, इसका मतलब मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ परवरदिगार मासूम फरमाते हैं जब ये सिफत आती है ना फिर इंसान अल्लाह की राह में देता है, फिर वो झिझकता नहीं है। लेकिन जब ये अपना समझ ले, अगर हुसैन अकबर को अपना समझते क्या भेजते, अगर अली असगर को अपना समझते क्या भेजते, ज़ैनब को अपना समझते कि करबला में लाते नहीं, सब कुछ उन्होंने खुदा का समझा था, अपना वजूद अपना पैसा अपना माल सब कुछ खुदा का समझा था। बोला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वज़ूइ वनक़्सिन मिनल अमवाल, ये खौफ उनके लिए है जो चीज़ों को अपना समझना है। लेकिन जो अपना सब कुछ खुदा का समझे वो इंसान फिर अल्लाह की राह में कदम उठाने में कभी झिझकता नहीं।
جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ میرے پاس یہ سانسیں جو میں لے رہا ہوں یہ کس کی ہیں؟ پروردگار عالم کی ہیں. پھر وہ انسان اللہ کی راہ میں ایسے قربانی, پھر کربلا کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے, پھر بھائی کی قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے, پھر رات کے اندھیروں میں یتیموں کے گھروں میں کھانا دینا یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. فرماتے ہر امام کو جب دوسرا امام غسل دیتا تھا ان کی پیٹھ پر کالے نشان ہوتے تھے. پوچھا جاتا تھا مولا یہ نشان کیسے ہیں؟ آواز آتی تھی ہمارے بابا رات کے اندھیروں میں جا کر کھانا تقسیم کرتے تھے. شیعہ آتے تھے ہمارے اماموں پر اعتراض کرتے تھے. ہر امام کی زندگی آپ پڑھیں. مولا رضا کا لقب ہے غریب الغربا, امام حسین کا لقب کیوں نہیں کبھی سوچا ہے؟ کچھ لوگ اسے دیکھا نا لفظ اور معنی, غریب کا مطلب یہ نہیں کہ امام مالی طور پہ غریب تھے, غربت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے مدینے سے اٹھ کے مثلا شام میں آئے. اس طرح تو کافی اہل بیت کو سامرہ میں ہے کوئی کہاں پر ہے, اصل وطن تو مدینہ ہے لیکن ان کو غریب کیوں نہیں کہا؟ اپنے شیعوں نے اماموں پر اعتراض کیا تھا. امام رضا اس لیے غریب تھے کیونکہ 40 سال تک امام رضا کو امام نہیں مانا جاتا تھا, صرف اس ریزن کی وجہ سے کیونکہ مولا کے پاس اولاد نہیں تھی, کہ جس کے پاس اولاد نہیں امام آپ کا سلسلہ کیسے چلے گا. اور جب امام کے پاس بچہ بھی پیدا ہو گیا نہ امام کی ولادت بھی ہو گئی, الیاذ باللہ امام پر الزام لگاتے تھے کہ ان کا بیٹا نہیں. امام کو امتحان کے لیے بلوایا جاتا تھا اور امام نے جب پروف کیا تو واقعہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. یہ مقامات اہل بیت پر ہے. چھٹے امام کے پاس یہ آتا ہے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے, بنو عباس کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں جس طرح میرے دادا حسین کے پاس 72 تھے اگر ایسے 22 بھی میرے پاس ہوں 22 میرے پاس ہوں میں قیام کروں. آپ کیا سمجھتے ہیں ساتویں امام 14 سال زندان میں رہے کہ شیعہ نہیں تھے؟ سب سے زیادہ آرگنائزیشن آف لا جس امام نے بنائی وہ ساتویں امام تھے, یعنی ہومس کا جو سارا سلسلہ بتایا ساتویں امام نے بنایا. اتنے مولا کے وکیل تھے اور اتنے وجوہات آتے تھے. ایک وجہ یہ بھی تھی امام رضا کے امام نہ ماننے کی, سارے وجوہات وکیلوں کے پاس آتی, اگر اس کو امام مانیں گے تو اس کو دینی پڑیں گے, مال بیچ میں رکاوٹ بن چکا تھا. لیکن سوال یہ 14 سال ایک امام زندان میں رہتا ہے لیکن شیعہ قیام نہیں کرتے. مانتے تو تھے, عقیدہ تو رکھتے تھے لیکن یقین نہیں تھا. جب تک اس یقین کی منزل پر نہیں آئے وہ امام بھی اپنے شیعوں کے اندر کیا رہتا ہے؟ غریب رہ جاتا ہے. امام حسن کا معاملہ آپ کے سامنے, اپنے لوگوں نے مصلی کھینچا, اپنے لوگوں نے پاؤں کو زخمی کیا, یعنی موجود تو تھے لیکن ان لوگوں کے عقیدے مضبوط نہیں تھے اور مقام یقین پر نہیں تھے. چھٹے امام کے پاس آتے مولا آپ قیام کیوں نہیں؟ امام فرمایا اگر 22 بھی ہو تو مولا آپ کیسی بات ہے, میرا پورا گاؤں شیعہ ہے. امام مسکرا ہے, تنور جل رہا تھا, تنور کے اندر بھوت جل رہا. اس وقت کا مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے, اتنی بڑی سزا آپ اپنے شیعے کو دے رہے ہیں, زندہ زندہ اس کو آگ میں بھیج رہے ہیں. اس وقت امام کے بور صحابی ہے, اس نے سلام کیا, امام نے جواب دیا, فوراً امام نے کہا تنور کے اندر جلا جا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے کیوں بھیج رہے ہیں, مولا میں آپ کا محب ہوں, مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. وہ سلمو تسلیما کا مطلب یہ ہے جو امام کہے چونو چرا نہ کہو. اگر وہ پانی میں جانے کے لیے کہے چلے جاؤ, اگر وہ آگ میں کودنے کے لیے کہے چلے جاؤ, کیونکہ تم نے اسے امام تسلیم کیا ہے, اس کی بات پہ تمہیں سوچنا نہیں ہے, اس کی بات پہ چونو چرا نہیں کرنا. فوراً آگ میں چلا گیا. امام نے اسے کہا یہاں بیٹھ جا, یہ بتا تمہارے گاؤں میں فلاں خاتون بیمار ہے, اس سے پیسوں کی ضرورت ہے, پھر امام نے کچھ پیسے دیے, فلاں شیعہ اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا کرو. امام پوچھ رہے کہ فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے, امام پوچھ رہے تھے لیکن اس کی توجہ پورے تنور کے پاس دی اور بے بساختہ کہنے لگا کہ مولا آپ اس کا تو پوچھ رہے ہیں جو میرے گاؤں میں ہے, لیکن جو آپ کا اپنا شیعہ ہے اسے آگ میں ڈال دیا ہے, اس کو نہیں دیکھ رہے, وہ بیچارہ کہیں جل تو نہیں گیا؟ امام فرماتے تو اس کی فکر نہ کر, میرے کہنے پر گیا ہے. فوراً کہا جا تنور کا دروازہ اٹھا. اس نے جیسے تنور کا دروازہ اٹھایا آگ ایسے بن چکی تھی جیسے ابراہیم کی طرح گل و گلزار بن چکی تھی, سجدے الہی میں موجود تھا. امام نے کہا یہ بتا ایسے تنور والے شیعہ کتنے ہیں؟ تو مولا ایسا ایک بھی نہیں ہے. کہ جب ایسے شیعہ بن جائیں گے نا, ایسی اطاعت ہو, امام آیا کر کہتا ہے مجھے ماننا ہے. آج ہم 100 مرتبہ خمس دینا ہم تو سوچتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنی ہو تو سوچتے ہیں, کہیں نقصان نہ ہو جائے. اے بندے جب تک خدا پر یقین نہیں ہوگا تب تک تمہاری زندگی میں برکت نہیں آئے گی, اور جب ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے پھر تمہارے گھروں کے مہمان حسین ابن علی بن جاتے ہیں, پھر گھروں کے مہمان علی ابن ابی طالب بن جاتے ہیں. آج سوچو وہ کون سی زمین ہے جہاں پہ امام زمانہ جی رہے ہیں. فرماتے تو مانی ہوتا ہے میرے دادا حسین میں آپ پہ خون ہوتا.
बहुत बड़े आरिफ बिल्ला फरमाते हैं, जब इमाम से मुलाकात हुई तो इमाम ने फरमाया मैं करबला के मसाइब पे इतना नहीं रोता जितना अपने चाहने वालों के गुनाहों पे रोता हूँ। हुज्जत तमाम हो चुकी, अभी कोई हुज्जत बाकी नहीं रही कि हमारे लिए तमाम होना बाकी हो। करबला जैसी हुज्जत बंदों पर बाकी हो। करबला के कैरेक्टर्स को पढ़ो, कुछ वो थे जो आदतों के गुलाम थे, कुछ वो थे जिन्होंने खुद को हुसैन का गुलाम बना लिया था। जब बुरी आदत छोड़ते हो जनाबे हुर की तरह, तो इमाम हुसैन भैया हुर कह के सीने और बीबी ज़ैनब बच्चों को भेजती मेरे बच्चे जाओ और कहो कि अली की बेटी है और तुझसे शर्मिंदा है। ऐसे जुमले कि हुर अपने सर पे खाक डालके कहने लगा कि बीबी आप शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूँ। फरमाती हैं अली के घर में जब भी कोई आया भूखा नहीं गया, प्यासा नहीं गया, और आज तू मेहमान बन के आया है लेकिन पिलाने के लिए तैयार नहीं है। बदला ये किरदार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। फरमाते सबसे पहले सहाबी जो मैदान करबला में, हुर जमीन करबला से जब हुर का लाश है इसका जमीन करबला पे गिरता है। अब मोहब्बत देखो, जब तुम इस लश्कर में आते हो ना, फिर आका की मोहब्बत का अंदाजा देखो। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े हुर के लाशे पे पहुंचते हैं और कसर अपनी गोद में लेते हैं। ये एहसास जो हुर को मिला, हुर की कब्र का किसी को पता नहीं था, ये एक वाकये के सिलसिले में हुर की कब्र जब जाहिर हुई, इमाम ने कहा है हुर जब मैंने तुझे कहा था कि तुझ पे तेरी माँ रोए, तेरी जबान थी, तेरा इख्तियार था, तू चाहता तो हुसैन को कह सकता था, लेकिन तूने मेरी माँ जहरा का अदब किया। अदब भी एक सिफत है, उस पर मैं कल आऊँगा। मौलाली के और भी बेटे, इमाम हुसैन के और भी बेटे, कितना सोचा पास की इतनी फजीलत क्यों, यहाँ इमाम का रोजा यहाँ पास का रोजा, यानी फर्क जाहिर नहीं लगता कि इमाम है या गैर इमाम है। फरमाते मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की ज़ियारत किया, इतना मकाम हज़रत अब्बास का, क्यों, क्योंकि अदब भरा हुआ हज़रत अब्बास, इजाज़त नहीं अब्बास तलवार नहीं। अबू ज़र और सलमान की मां ने भी यही फर्क था, जब मौला के घर पे हमला हुआ अबू ज़र ने तलवार निकाला, सलमान ने नहीं निकाली। अबू ज़र सलमान पे गुस्सा हुआ, सलमान तुम्हारी गैरत कहाँ गई, अलीब के घर पे हमला, तलवार नहीं निकाल रहा है। अबू ज़र ये बता तेरी तलवार ज्यादा चलती है अली की तलवार ज्यादा चलती है। हमें जज्बात में आने वाला शेर, मेरी निगाहें अली के हाथों पर है, अगर अली तलवार निकालेंगे तो सलमान तलवार निकालेंगे। ये अदब का तकाजा है कि अपने इमाम से एक कदम आगे बंदा न जाए। अब्बास के वजूद में यह अदब था, इमाम ने कहा और तुमने मेरी माँ जहरा का अदब किया। उस वक्त इमाम ने एक रुमाल निकाला और कहा यह वो रुमाल है जो मेरी अम्मा जहरा ने टूटे हुए पहलू से अपने हाथों से सिया था अपने बेटे हुसैन के लिए। अरे और ये रुमाल में तेरे माथों पे बांधा ताकि कयामत को पता चले कि हुर ने मेरी माँ का अदब किया। यहाँ तक तो आप सब सुना, लेकिन अगला जुमला जब हमने तारीख में पढ़ा तो पता चला कि हुसैन अपने चाहने वालों का एहतराम खुद कितना करते हैं। उस वक्त इमाम ने कहा कि अरे हुर मैंने तुझे एक जुमला कहा था कि तुझ पे तेरी माँ रोए, मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए कहा था, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं तेरे दिल में ये बात रह गई हो कि हुसैन ने मेरी माँ को ऐसा क्यों कहा। कहोर हुसैन तुझसे राजी हुआ, तू हुसैन से राजी हो जा, वल्लाह इतनी मोहब्बत कोई करता है, ये वो घराना है जो अदब कराना है। पर मैं ज़ारत के लिए जाओ तो उसने दुहूल पढ़ा करो, अदब से दाखिल हुआ करो, मजलिस में आया करो तो वज़ू से आया करो। आलम मंजर खुदास, ये दुनिया ये आलम अल्लाह का मंजर है, जो इमाम ज़माना को मानता है गोया इमाम उसे देख रहे हैं, वो कभी भी फिर अपने मौला के हुजूर में गुनाह नहीं करता, हमेशा मंजर खुदा में रहता। दिलों को करबला ले जाए, जिस्म परवाज नहीं करता लेकिन रूह की परवाज बुलंद है। जब भी मुसल्ले पे बैठे तसव्वुर करें कि हुजूर खुदा में है, हुजूर इमाम में है, फिर वहाँ से वो नूर और वो गज़ा और रिज़्क़ के रूहानी एहसान को अता होता है जिसका एहसान ने तसव्वुर नहीं किया। आइए सलाम करें अपने आका हुसैन को और सवाब ज़ियारत हुसैन का सवाब कमाएं। Assalamu alaikum.
साहिब किताब अल कदीर फरमाते अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं जिसकी आंखों के सामने उसकी बीवी जिगर फट जाता है जब मौला के मजलूम सुन दो दो जवान आपस में बहस कर रहे जब किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे मौला का वहां से गुजर न हुआ कयाल एक सवाल का जवाब दे कौन सा याले मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या एक ने गाली मैं कहता हूं अगर मर्द कर्जदार हो दूसरे ने का बीमार हो फिर का फकीर हो जब सब कुछ बता लिया इमाम ने कहा ये जवाब नहीं कयादी आप खुद बताइए मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखने वाला कहता है अली के चेहरे का रंग दूध की तरह सफर हो गया एक मर्तबा जमीन पे बैठे फिर उठे आंखों से आंसू झरने लगे कयादी कोई गलती ना हो خدایا ہم سب کے صغیرہ کو بھی رحمت عطا فرمائے
ہمارے والدین کو صغیرہ کبیرہ گناہ ہمیں واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب اور محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب خدا ان راتوں میں یہ تیری یہ عبادتیں تیری بارگاہ میں عبادتوں کو قبول ان آنکھوں کو امام زمانہ یار نصیب دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان فارسی کی دعا خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا کرے بدن صابر عطا کرے دل شاکر عطا کرے عقل سالم عطا کرے زبان ذاکر عطا کرے جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما حاضرین کو عطبات عالیہ کی زیادہ نصیب فرما ہمارے مولا اور آقا امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما دشمنان البیت بالخص آل یہود اور آل سعود کو دین سے دور نابود فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا حسین یا حسین یا حسین